शादी क्या बन जाए। दीदी 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 ये सब कैसे हो गया? बहुत माना, बहुत माना। अब ठीक है? अम्मा अम्मा जल्दी चल, देखिए ना दीदी की हालत बहुत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी चल। शक्ति भाई आप जल्दी से कुछ कीजिए, दीदी की हालत बहुत खराब हो गई, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए वरना वो मर जाएगी। आप लोग केसर दीदी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे ना? ठीक है, हम खुद ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। का फोन भी हमारे पास है, उसे कैसे कांटेक्ट करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंदू भैया को कॉल करते हैं, क्या पता कृष्णा उन्हीं के साथ हो। अरे भैया भाभी का फोन आएगा। क्या हुआ? अरे भैया भाभी का फोन आ रहा है, एक बार बताएं भैया। टीना आपके प्यार का सबूत है, देखो भाभी बार बार फोन कर रही है, ये लोग बात कर ले, बताया लो। वही कह रहे हैं, देखो कैसे कैसे तड़फड़ा रही है, हमसे बात करने के लिए कैसे तड़फड़ा रही है। ये क्या कहते हैं प्यार, क्या कहते हैं प्यार। हेलो भैया दोबारा आ गया फोन, उठा लो भैया बात कर। अरे नहीं अभी नहीं उठाना। अरे भैया हम उठा लेगा, उठाएंगे नहीं उठाना समझो। क्या करे, चंदू भैया अभी फोन नहीं उठा। उस औरत के साथ में आप हैं जिसे बेरहमी से पीटा गया है जी, पर आप लोग, आप उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकती हैं, बाकी का स्टेटमेंट हम उस औरत से ले लेंगे जी। वैसे उसका नाम क्या है जिसने ये सब कुछ किया है जी? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, उनके पिताजी का नाम क्या है? सज्जन सिंह। माफ कीजिएगा मैडम, ये कंप्लेन हम नहीं लिख सकते। क्यों क्यों नहीं लिख सकते? आप पुलिस हैं और ये आपका फर्ज है। यहाँ एक औरत को बुरी तरह से जानवरों की तरह मारा गया है और आप इतनी आसानी से ये कहकर चले जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते? देखिए हम सज्जन सिंह की बहू है और ये जो कुछ भी हुआ है उसकी गवाह भी, ये सब कुछ सज्जन सिंह के परिवार वालों ने किया है। देखिए मैडम, सज्जन सिंह जैसे ईमानदार आदमी के बेटे की कंप्लेन नहीं लिख सकते। I'm sorry मैम, चलो। हेलो पापा। प्रतिज्ञा बेटा, बेटा तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है पापा। बेटा हमने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है
कि अमन के माता पिता आरुषि के रिश्ते की बात करने के लिए आने वाले हैं, वो भी अगले ही हफ्ते। है ना बेटा खुशी की बात? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा इस वक्त हमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। क्या बहुत गलत हुआ है? हम इस वक्त केसर दीदी के साथ हॉस्पिटल में है, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में। पर बेटा बात क्या है, हमें भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है। पापा क्या बात है वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शक्ति भैया और अम्मा ने केसर दीदी को बेवजह जानवरों की तरह पीटा है। उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनका होने वाला बच्चा और वो दोनों ही जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन पापा इस बार हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें सबक सिखा कर ही रहेंगे, वो भी कानूनी तरीके से। लेकिन पापा पुलिस कंप्लेन दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं, हम क्या करें? एक काम करो तुम बेटा, तुम अमन से फोन पर बात कर लो, वो जरूर तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेगा। ठीक है पापा। हेलो। हेलो अमन जी, हम प्रतिज्ञा बोल रहे। हाँ प्रतिज्ञा जी बोलिए। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। बात यह कि अब आप ही बताइए हम क्या करें। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप एक नंबर लिखिए। बोलिए। 09 53 431। ये शहर के डीआईजी हैं, आप इन्हें मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच अमन जी। हेलो डीआईजी इलाहाबाद। नमस्ते सर, हम प्रतिज्ञा बोल रहे हैं। अमन माथुर ने आपका नंबर दिया। दरअसल सर बात यह है कि आप एक काम कर सकती हैं, FIR दर्ज करवा सकती हैं, हम इस बात की गारंटी खुद लेते हैं। थैंक यू सर। अरे भैया का बात का है, भाभी बार बार फोन कर रही हैं, आप बताए नहीं रहे भाभी से। यही तो आनंद है प्यार का, हैं? तड़पने बहुत मजा आता है, सारा शरीर को जितना जलाओ ना उतना ही आनंद। और वैसे भी वो कहा है ना कि कल रात को जो हुआ ओकरे बात तो मतलब नींद सपना सोना जागना सबो एक मिल गया, अलग हो गया, भगवान जाने क्या हो गया, सारा क्या कहते हैं सिस्टम बा उलट पुलट गया। ऐसा क्या हो गया भैया रात को? अरे भैया ये पहली काहे बुझा रहे हैं, अब बताइए ना क्या हुआ का? अरे का बताएं बेटा, वो रात का अंधेरा, फूलों की खुशबू, अरे ऊपर चंदा नीचे हमरी चांदनी, और ऐसी ऐसी रात में हम और प्रतिज्ञा दोनों ऐसे ही। या फिर हमने उनके हाथ को धीरे से उठाया, जैसे जैसे कोनो फूल की डाली, धीरे 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 अपने ओठों के पास पास, बस ना तुमको काय बताया बे? नहीं काय बताया बेटा, मुफ्त पिक्चर देख रहे हो तुम का? बस साले बोले यार सुनने जा रहे हो तुम, बात करते यार तुम, अबे ये सब जानना चाहते हो, एक काम करो शादी कर ले दोनों, फिर समझ आएगा तुमको कि शादी का मजे की चीज है। प्रतिज्ञा बन जाए।